या हमारा जर्मनी, उसके बाद फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर हम खड़े हैं। तो ये वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ पे तीन कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं। लंच हमने कर लिया है और पार्क में आके हमने झूले वगैरह भी ले लिए, और हमारा जो टाइम है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, कि हमने अभी नेक्स्ट ट्रेन भी पकड़नी है। फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो चल पड़ी है स्विट्जरलैंड की तरफ। अभी हम जा रहे हैं कार्लसरुहे, कार्लसरुहे से हमने नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं जर्मनी से स्विट्जरलैंड घूमने के लिए। स्विट्जरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और हमने जाना है स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में। अच्छा, 7:30 बजे हमारी तकरीबन मानहाइम से ट्रेन है। तकरीबन 4 से 5 घंटे का सफर है मानहाइम से स्विट्जरलैंड के शहर बासिल का। अभी तकरीबन सुबह के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पे सूरज निकल चुका है। आज भी गर्मी है काफी और हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं, लेकिन बारिश का कोई चांस नहीं है। ट्रेन जो है वो हमारी तकरीबन 7:30 बजे की ट्रेन है। कपड़े मैंने चेंज कर लिए, अभी सिर्फ करना है नाश्ता और जाना है स्विट्जरलैंड। मानहाइम स्टेशन पे हम पहुंच गए। हमारी जो ट्रेन है वो ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट हो चुकी है, लगता है ये हमारी ट्रेन आ गई है शायद। तो जी व्यूअर्स, हम बैठ गए ट्रेन में। हमारी जो ट्रेन थी वो पूरे 1 घंटा लेट थी, 7:30 बजे इसने आना था, लेकिन ये अब आई है 8:30 बजे और अभी भी तकरीबन 8:36 पर ये चलेगी। यहाँ से हमने जाना है कार्लसरुहे हाबनहॉफ, मतलब हाबनहॉफ का मतलब होता है रेलवे स्टेशन, जो मेन रेलवे स्टेशन होते हैं जर्मनी में, और तकरीबन ये 1 से 1.5 घंटा का सफर है। हम खड़े हैं इस वक्त मानहाइम स्टेशन पर, ट्रेन चलने में तकरीबन जो है वो 6 मिनट बाकी है, 8:36 पे ये ट्रेन चलेगी। इंतजार करें कि ये ट्रेन चल जाए और यहाँ से भी कोई ट्रेन लेट ना हो। ये मानहाइम का स्टेशन है, ये सिटिंग अरेंजमेंट है, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, ये चार्जिंग स्लॉट भी दिए हुए इन्होंने, आप इधर चार्ज भी कर सकते हैं, इधर आप ग्लास वगैरह रख सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेन है, ये बिन दी गए इन्होंने। अभी इंतजार है इस ट्रेन के चलने का, कभी ये ट्रेन चले और जो हमारी जर्नी है स्विट्जरलैंड की तरफ वो शुरू। फाइनली हमारी जो ट्रेन है वो चल पड़ी है स्विट्जरलैंड की तरफ। अभी हम जा रहे हैं कार्लसरुहे, कार्लसरुहे से हमने नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी है, उसके बाद हम जाएंगे बासिल स्विट्जरलैंड। इनकी जो बाकी ट्रेन है वो खड़ी है। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है इस वक्त, लेकिन सनी डे है फुल, हल्के हल्के क्लाउड भी है, धूप निकली हुई है, बारिश का कोई चांस नहीं है, तो डेफिनेटली गर्मी तो है। आई थिंक स्विट्जरलैंड का मौसम भी इसी तरीके का होगा, वेदर उधर का हो रहा है तकरीबन 25-30 के दरमियान उधर का वेदर है। अब जाकर ही सही पता चलेगा कि कितना वेदर है। वहाँ ग्रास चेक करें भाई, हर तरफ पूरे रेलवे स्टेशन पे हर ट्रैक के आगे बहुत ज्यादा ग्रास है, फुल ग्रीनरी है इधर जर्मनी में। बारिशें बहुत होती है जर्मनी में, इसलिए बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है ये। स्काई व्यू चेक करें भाई, बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा है ये वाला, सूरज बादलों के पीछे आया हुआ है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। एक रेलवे ट्रैक इनका ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और बाकी नीचे की तरफ जा रहा है। पूछा मैंने कुछ? हम पहुंच गए हैं कार्लसरुहे हाबनहॉफ, मतलब रेलवे स्टेशन। ये भी बहुत ही खूबसूरत और अच्छा स्टेशन बना हुआ है, काफी बड़ा रेलवे स्टेशन है ये भी। हमने उतरना है सीधे हाथ में। कार्लसरुहे रेलवे स्टेशन पर हम पहुंच चुके हैं और एक ट्रेन से उतर हैं, अब दूसरी ट्रेन का हम इंतजार कर रहे हैं। अगली जो हमारी ट्रेन है वो है 10:07 पर, और वो ट्रेन है RE2 जो कि मिंडिंगन जा रही है। हमने ये वाली ट्रेन में जाना है। अभी तकरीबन पूरा आधा घंटा है हमारी ट्रेन आने में। ये कनेक्शन है अगले स्टेशन का जो कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये इधर की ICE ट्रेन है जो कि बहुत फास्ट ट्रेन है, जिसकी स्पीड तकरीबन 300 किलोमीटर+ की स्पीड से ये चल रही होती है। इधर भी ICE खड़ी है, ये कोई DB-Bahn है, S3 के नाम से खड़ी हुई है। ये कार्लसरुहे हाबनहॉफ है और ये लिमिट होती है, जब ट्रेन आ रही होगी आपने इस लाइन से आगे नहीं जाना है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने।
इधर ही आपका स्टेशन के ऊपर चालान हो जाएगा कि आपको ये चोट लग सकती है। हम उतरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे और अंडरग्राउंड से होते हुए हमने प्लेटफॉर्म चेंज किया हुआ है। आप ऊपर से रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं कर सकते, इधर बहुत बड़ा जुर्माना ये लोग करते हैं, वो भी यूरो के अंदर 200-300 यूरो के करीब इनका जो है वो चालान होता है। अभी इंतजार है अपनी नेक्स्ट ट्रेन का, आधा घंटे का टाइम है। ये आ गई है हमारी ट्रेन। ऊपर चल के बैठेंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं, रश हुआ वैसे। अभी हम जाके बैठेंगे ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये डबल फ्लोर ट्रेन है, एक नीचे जगह है एक ऊपर है। ये जाएगी किस डायरेक्शन? हाँ ये ठीक है, बल्कि इधर भी सॉकेट दिया हुआ होगा, एक इधर किसी ट्रेन में ना ऊपर भी दिया होता है। बिन दीवे ग्लास रखने की जगह, लाइटिंग चेक करो, नियॉन लाइट लगाई हुई उन्होंने ब्लू कलर की, जहाज वाला व्यू आ रहा है। वो आंटी टिकट चेक करने आ भी गई थी। और ये हमने चलना स्टार्ट कर दिया है कार्लसरुहे हबनहॉफ से। अब हम जा रहे हैं एग्मिंगटन। ऐसा लग रहा है जैसे वो टैबलेट नहीं खाते एग्मिंगटन। अच्छा ऐसे रेलवे ट्रैक ना, वैसे उधर आते हैं हैदराबाद में, इतने आते हैं। गिरास तो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली लग रही है यहाँ पे। तो भाई हम इधर पहुंच गए हैं एडमिंटन। इधर हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो तकरीबन 52 मिनट के बाद है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक घंटा है वेटिंग एरिया के लिए, मतलब एक घंटा हमने इंतजार करना, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट ट्रेन मिलेगी। तो हमने सोचा जिस स्टेशन पे हम उतरे हैं उसी सिटी को थोड़ा सा इंजॉय कर लें, जो स्टेशन के आगे पीछे की जगह है उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो हम स्टेशन से बाहर आ गए और जितना हमारे पास टाइम है इसमें हम थोड़ा बहुत घूम लेते, इधर भी इंजॉय कर लेते हैं। सामने एक पार्क नजर आ रहा है, इधर मौसम थोड़ा सा बेहतर है, ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है यहाँ पे, क्योंकि मानहाइम से जब चले थे वहाँ पे तकरीबन 30 प्लस का टेम्परेचर हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मौसम कुछ बेहतर लग रहा है। यार सामने सिटिंग एरिया दिया हुआ है, ठंडक हो रही है यार, मौसम अच्छा है यहाँ पे। ये तो किंडर वो लग रहा है, बच्चों के खेलने की जगह। ये दरख्त देखो काफी पुराना दरख्त है यार, ये ऐसे लग रहा है मेंढक बैठा हुआ है, वो फ्रीज हो गया नार्निया फिल्म की तरह। पार्क के अंदर हम आ गए और हमें जो है बैठने की जगह नहीं मिल रही है, अभी हम ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए जगह थोड़ी सी। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, हमें घर से निकले हुए तकरीबन 2.5 घंटे हो गए, 8:30 बजे निकले थे हम और अभी टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। 2-3 हमने ट्रेन चेंज की और काफी ज्यादा भूख भी लगने लग गई है, तो अब अभी हम खा रहे हैं रोल पराठा, लंच ब्रेक हम कर रहे हैं। बहुत ही मजे का रोल पराठा ये बना हुआ है, लंच कर लिया है, अब चलते हैं। वो सामने एक झूला लगा हुआ है उसमें थोड़ा बैठते हैं, है ये बच्चों का झूला, लेकिन आप भी बैठ सकते हैं इसके अंदर, मतलब जो बड़े बच्चे होते हैं मेरे जैसे वो भी इसमें बैठ सकते हैं। लंच हमने कर लिया है और पार्क में आके हमने झूले वगैरह भी ले लिए और हमारा जो टाइम है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, कि हमने अभी नेक्स्ट ट्रेन भी पकड़नी है, तो जल्दी से दोबारा स्टेशन चलते हैं। 10-15 मिनट रह गए हैं ऑलमोस्ट। व्यू चेक करें भाई, बहुत ही खूबसूरत नजारा है, फुल ग्रीनरी हुई है, पहाड़ है, थोड़े थोड़े से घर बने हुए हर जगह, थोड़े सब छोटे छोटे से गांव बनाए हुए इन्होंने थोड़े थोड़े एरिया के बाद। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में। इस ट्रेन से हम अभी अभी उतरे, बहुत लंबा सफर रहा है, तकरीबन 4-5 घंटे लग चुके हैं हमें अभी यहाँ तक पहुंचने में। बहनहॉफ से हम निकल गए हैं स्विट्जरलैंड के शहर बासिल में और हम एक रोड के ऊपर से गुजर रहे हैं, बहुत ही अच्छा व्यू है, साथ में हमारे ये नहर भी चल रही है, लेकिन इतना कोई ज्यादा खास पानी नहीं है इसके अंदर, बहुत कम पानी है इसके अंदर। और ये एक वॉकिंग ट्रैक इन्होंने इधर बनाया हुआ है और दरख्तों के बीच और अच्छा व्यू आ रहा है। ये स्विट्जरलैंड की ट्राम है, यहाँ पे जो ट्राम है उसका कलर ग्रीन है। स्विट्जरलैंड में भी आपको जो सिग्नल होते हैं वो पैदल चलने वालों के लिए भी सिग्नल है, आपको वेट करना होगा, सिग्नल खुल गया।
सो भाई चलते चलते हम पहुंचे हैं बासिल के एक दरिया के किनारे, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे तीन कंट्रीज जो हैं वो मिलती हैं। मींस के अभी हम स्विट्जरलैंड के अंदर खड़े हुए हैं, सामने जर्मनी है और उसके साथ फ्रांस है। ये तीन कंट्रीज का बॉर्डर यहाँ पे लगते हैं और तीन कंट्रीज यहाँ पे कनेक्ट हो रही होती है, तीन बॉर्डर मिलते हैं यहाँ पे। व्यू चेक करें भाई, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। फुल सनी डे हुआ है, मैंने अम्ब्रेला निकाली है क्योंकि धूप जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कराची की गर्मी यहाँ पे पड़ने लग गई है, बहुत तेज गर्मी है, लेकिन हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है। या हमारा जर्मनी, उसके बाद फ्रांस और स्विट्जरलैंड के अंदर हम खड़े हुए हैं। तो ये वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ पे तीन कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि बॉर्डर चेंज हो रहा है। तो ये यूरोप की कंट्रीज है, इधर ऐसे ही होता है, जो भी कंट्रीज होती हैं वो ऐसे ही बॉर्डर उनके बने हुए होते हैं। यार ये जामनी कलर है, मुझे प्योर ब्लैक नहीं है ये। स्विट्जरलैंड में जो कोल्ड ड्रिंक है ये, इस ब्रांड की जो ये कोल्ड ड्रिंक है, ये वीडियो में ऐसा लग रहा है कि ये ब्लैक है, लेकिन ये ब्लैक नहीं है, ये जामनी कलर हो रहा है, पर्पल सा। तो जी व्यूअर्स, स्विट्जरलैंड का शहर बासिल हमने एंजॉय कर लिया, काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा क्योंकि जो गर्मी थी वो बहुत ज्यादा थी। अब हम जा रहे हैं वापसी, ट्रेन के अंदर हम आ गए, वापसी की ट्रेन हमारी आ गई है। यहाँ से हमने जाना है ऑफनबर्ग, वापसी का रास्ता है जर्मनी के लिए स्विट्जरलैंड से। हमने सोचा स्विट्जरलैंड नाम सुन के बहुत ज्यादा खूबसूरती, बहुत ज्यादा एक अलग से वाइब्स आ रही होती है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं रहा क्योंकि गर्मी की वजह से हमारी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। तो हमने सोचा क्यों ना वापसी जाया जाए, और हम जा रहे हैं अभी वापसी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।